not a game, it's a rich thing. और बच्चा बाड़ी, क्या हाल है? सब बढ़िया? चलो तब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं यूनिट 5 का, जिसका नाम है एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, मज़ा आएगा देखना। और एक दो इम्पॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताता हूँ हर लेक्चर में, आज भी बताऊँगा। नोट्स के लिए जो मैं नोट्स यहाँ प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जाकर टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ वहाँ से डाउनलोड करो, ज्वाइन करके। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इंस्टा आईडी पे, ये मेरा आईडी है इंस्टाग्राम का, तुम जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, यही है आज यूनिट 5 का, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, इसी को आज डिटेल में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो अब देखते हैं हम लोग पहला पार्ट। देखो इसमें पहला पढ़ना क्या है, एक बार मैं बता देता हूँ। इसमें पहले हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग का, नॉट ओनली हम लोग का, पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, उसके कारण हम लोग को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा या फिर करना पड़ रहा है। ठीक है, वो देखेंगे। बट उसके पहले ये चैप्टर है, क्या है चैप्टर का नाम? एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, तो एक बार एनवायरनमेंट देख लेते हैं, व्हाट इज एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके पहले उस पॉइंट पे, प्रॉब्लम्स ऑफ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, उस पॉइंट पे जाने के पहले एक बार एनवायरनमेंट होता क्या है ये तो जान ले। अगर चैप्टर जो है उसी के बारे में हम लोग जानते नहीं है कि एनवायरनमेंट होता क्या है, तो हम लोग को कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो पहले चलो देखते हैं व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट होता क्या है। चलो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं। ये डेफिनेशन बोला है, द नेचुरल सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच अफेक्ट्स इट्स लाइफ बाय डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग इट्स एक्टिविटीज इज कॉल्ड एन एनवायरनमेंट। ठीक है, एक नेचुरल सराउंडिंग, एक ऑर्गेनिज्म है, उसका सराउंडिंग, ठीक है, उसका सराउंडिंग जो उस पे, उस ऑर्गेनिज्म पे डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा हो, ठीक है, विच अफेक्ट्स इट्स लाइफ। ठीक है, उसके लाइफ पे, उसका जो जीवन चल रहा है उसके ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा हो, ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग इट्स एक्टिविटीज, उस एक्टिविटीज के कारण, ठीक है, उस एक्टिविटीज के कारण, मतलब एनवायरनमेंट का उस एक्टिविटीज के कारण, तो उसको हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। नहीं समझ आया होगा मुझे पता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स से है। तुम लोग को इससे, अगर तुम लोग नॉर्मली फील करोगे तो एनवायरनमेंट बहुत कॉमन सा वर्ड है, बट अगर डेफिनेशन में जाओगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का लगता है। बट फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक आदमी मान लो, एक ह्यूमन बींग है, ठीक है, ह्यूमन बींग रह रहा है, ठीक है, एक इन्वायरमेंट में, एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, जब नेचुरल सराउंडिंग में, ठीक है, और जब उस पे, उसके लाइफ पे, वो अपने आप जीवन जात आपने चला चल रहा है, उसका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट उसके एक्टिविटीज, जैसे क्या बोलूँ, जैसे देखो, जैसे एक ह्यूमन बींग है, एक अपना एक फैमिली के साथ रह रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारा लाइफ में ये आ रहा है, कभी लोन देना है, कभी ये देना है, कभी वो देना है, समझे, बहुत तरीके एक्टिविटीज़ चल रहे हैं ना, ठीक ना, तो वो एक नॉर्मल लाइफ हुआ ह्यूमन बींग का, कि स्कूल जाना है, स्टूडेंट का ही समझ लो, स्टूडेंट का स्कूल जाना है, अब ट्यूशन जाना है, और फिलहाल तो ट्यूशन बंद है, बट स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, कल स्कूल में ये करके जाना है, कल स्कूल का होमवर्क बायो में ये करना है, मैथ्स में ये करना है, तो एक लाइफ है तुम लोग का, ठीक है, तो उस पर एक एक्टिविटीज़ क्या है तुम लोग का, ये सब तुम्हारा एक्टिविटीज़ है, कल डांस क्लास में जाना है, कल स्विमिंग करने जाना है, स्विमिंग सीखने जाना है, ठीक है, तो ये सब हम लोग का एक्टिविटीज़ कहलाता है। क्या? कि हम लोग का ये सब लाइफ का जो एक्टिविटीज़ है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मेरा ही मानो, मेरा मुझे अपना पढ़ाई करना है,
मुझे तुम लोग के लिए यूट्यूब वीडियो बनाना है, फिर से नोट्स बनाना है, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम उन लोग के भी टाइम देना है। ये तो नहीं कि मैं हमेशा कुछ करना करता हूँ, कुछ ना कुछ तो साइड से करना ही पड़ेगा। मतलब ये सब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये सब क्या कहलाता है, ये सब कहलाता है लाइफ का एक्टिविटीज़। ठीक है, तो उसी उसके एक्टिविटीज़ है उस पे ना उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है क्या, विच अफेक्ट्स इट्स लाइफ, उसके लाइफ पे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, बाई इट्स एक्टिविटी, वो अपने एक्टिविटीज से। ठीक है, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, नहीं समझ आया होगा अभी भी, मुझे लग रहा है तुम लोगों को नहीं समझ आया है, बट डोंट वरी, अभी सब समझ आ जाएगा चैप्टर जैसे आगे आगे बढ़ेगा। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या क्या कंसिस्ट करता है, मतलब कितना तरह का, देखो इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, वो जो मैं बात बताया वो तो एक्टिविटीज बताया था, जो तुम स्कूल जाते हो, होमवर्क, ये वो सब एक्टिविटीज बताया था, ये लाइफ का एक्टिविटीज है। ठीक है, बट एक इन्वायरमेंट वो नेचुरल में मत जाना, वो उसको मैं इन्वायरमेंट नहीं बोला था। ठीक ना, वो लाइफ एक्टिविटीज बताया था। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ लिथोस्फीयर, ये क्या क्या कंसिस्ट करता है, देखो लिथोस्फीयर, एटमोसफेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है, सॉइल्स, रॉक्स। ठीक है, हम लोग एक नॉर्मल आदमी सॉइल्स से घिरा हुआ है, रॉक्स से भी घिरा हुआ है। ठीक है, एटमोसफेयर, एयर तो हर जगह है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, वाटर भी है, मतलब हम लोग का लाइफ ये सबसे घिरा हुआ है। ठीक है, हम लोग के लाइफ पे इन लोग का इम्पैक्ट है, हम लोग के लाइफ पे इम्पैक्ट है, जो इम्पैक्ट कर रहे हैं उसी को इन्वायरमेंट बोल रहे हैं। अब थोड़ा समझ आया होगा। ठीक है, बट फिर भी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। इन्वायरमेंट इज द सम टोटल, सम बचपन में करते होगे, सम सब्ट्रैक्ट वही वाला सम है, सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, विच एग्जर्ट इन्फ्लुएंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये होगा तुम लोगों को, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, बट एक बार फिर से समझ रहा हूँ। इन्वायरमेंट क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग जितना भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जितना भी है, विच एग्जर्ट इन्फ्लुएंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका जो इफेक्ट है, उसका इफेक्ट है किसके ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, प्रेजेंट इन एन एरिया, एक एरिया में प्रेजेंट है उसके ऊपर एक इफेक्ट कर रहा है, कौन कौन, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों। ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, इजी सा था ये, एक ये वाला डेफिनेशन याद कर लेना। ठीक है, व्हाट इज एनवायरनमेंट। ठीक है, समझ कर भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो तब आते हैं हम लोग किस पॉइंट पे, प्रॉब्लम्स ऑफ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, एक डेटा है, ठीक है, इंडिया का पॉपुलेशन, ठीक है, लास्ट 50 इयर्स में, ठीक है, हम लोग इंडिया से रिलेटेड ज़्यादा बातें करेंगे, वर्ल्ड से रिलेटेड बातें नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंडिया का पॉपुलेशन लास्ट 50 इयर्स में, 50, ठीक है, लास्ट 50 इयर्स में कितना इंक्रीज किया है बताओ तुम। एक डेटा है 245%, समझे, लास्ट 50 इयर्स में हम लोग का पॉपुलेशन मानो इतना था, एक डेटा है इतना था, फिर से कितना इंक्रीज कर दिया है, बस यही याद रखना, वो डेटा याद मत रखना, डेटा भी लिखा था, ठीक है, वो जहाँ से मैं इसको लिखा हूँ, बट वो डेटा ना भैड़ी करते रहता है, वो भी डेटा पुराना है थोड़ा, ठीक है ना, वो थोड़ा पुराना है इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखवाया, बट ये तुम लिख सकते हो, अप्रॉक्स 250 बोल सकते हो, 240 भी बोल सकते हो, बट एक लिखा है 245% इन लास्ट 15 ईयर्स, समझे, कितना इंडिया का पॉपुलेशन का कितना इंक्रीज किया बताओ, कितना परसेंट, 245% इन लास्ट 50 ईयर्स। ठीक है, वगैरह ऐसे पूछता नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैं लिखा दिया हूँ। ठीक है, चलो तब इसको हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स क्या होता है पॉपुलेशन इंक्रीज करने के कारण, इसको पॉइंट्स वाइज पढ़ेंगे, ठीक है, 1-2 करके फिर से उसको समझेंगे अच्छे से। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, चलो बच्चे बड़ी, तो देखते हैं पहला कॉज, पहला प्रॉब्लम क्या होता है हम लोग को पॉपुलेशन इंक्रीज करने से। ठीक है, पहला है ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड डिप्लेशन ऑफ
नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने का। देखो देखो, फील करो, फील करो, सब तुम अपने से लिखना हो, ये कहानी टाइप का है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है थर्ड पार्ट, ये कहानी टाइप का है थोड़ा, उसके बाद डिजीज वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा याद करना पड़ेगा, बट ये कहानी टाइप का है, तुम खुद से लिख सकते हो। देखो, पॉपुलेशन इंक्रीज करा, ठीक है, इंक्रीज किया, बट बहुत, देखो पहले एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग थे, एक पॉपुलेशन ठीक था, ठीक है, बट धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन, ठीक है, बट जो हम लोग के पास, देखो धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो ह्यूमन का जो नीड है वो भी बढ़ेगा, जो फूड का नीड है, फिर तुम्हारा कार खरीदना है उसके लिए जो फ्यूल लगेगा, पेट्रोल डीजल, फिर कोल का, कोल इंडस्ट्री बहुत सारा काम आता है ह्यूमन बींग के लिए, ठीक है, सबका यूजेस भी बढ़ेगा। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जितना भी चीज़ें हैं उसका यूजेस भी तो बढ़ेगा ना, कपड़े ज़्यादा चाहिए होंगे, घर ज़्यादा चाहिए होगा, बहुत कुछ नॉर्मल सी बातें हैं। तुम्हारे घर में मानो ना, तुम्हारे घर में चार आदमी थे, ठीक है, कौन कौन, तुम, तुम्हारे भैया, तुम्हारे बड़े भैया और तुम्हारे मम्मी और पापा, ठीक है। जैसे जैसे भैया बड़ा हुआ, भैया का शादी हुआ, ठीक है, पहले तुम लोग के घर रूम था दो रूम, ठीक है, एक में मम्मी पापा रहते थे और एक में भैया और तुम रहते थे, ठीक है। धीरे धीरे भैया बड़े हुआ, भैया का शादी हुआ, ठीक है, और भैया का शादी हुआ तो और एक मेंबर आया फैमिली में, ठीक है, तो वो दो रूम तो थोड़ा और बड़ा होना चाहिए ना, दो रूम से अब नहीं चलेगा काम, नॉर्मली बहुत लोग एडजस्ट कर लेते हैं, बट मैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ, बट अब तुम भी चाहोगे ना कि और एक 2 BHK से अब 3 BHK हो जाए, नॉर्मल सी बात है, मतलब वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक पॉपुलेशन था उस हिसाब से एक ठीक था, चलो इतना है, बट धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो नीड भी तो बढ़ेगा ना, मतलब ज़रूरतें, नीड मतलब ज़रूरतें, हमारी ज़रूरतें, ठीक है। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ा, ठीक है, तो हम लोग का नीड बढ़ेगा, ये तो नॉर्मल तुम लोग को समझ आ गया, बट एक बात बताओ, क्या ज़मीन बढ़ जाएगा, जो हम लोग का एरिया है अर्थ का वो क्या बढ़ेगा, जो हम लोग के पास पानी है वो क्या बढ़ रहा है, जो हम लोग के पास ऑक्सीजन है वो क्या बढ़ रहा है, नहीं ना, वो सब तो एक लिमिट ही है, जो नेचुरल रिसोर्स है हम लोग के पास वो तो एक लिमिट भरी है ना, समझ रहे हो, एक लिमिट भरी है ना। तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो हम लोग उस चीज़ को, जैसे मान लो तुम धीरे धीरे, तुम्हारा फैमिली, सबका फैमिली ग्रोथ करने लग रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो धीरे धीरे तुम भी चाहोगे कि मैं एक कार है तो आप और एक कार खरीदूँ, धीरे धीरे तुम भी बड़े हो जाओगे, तुम भी अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, चाहे हो जाओगी, तो तुम भी चाहोगे कि मेरा भी अपना खुद का एक गाड़ी हो, कार हो, अच्छी कार हो, ऑडी हो, लैम्बोर्गिनी हो, ऐसी कोई कार, ठीक है, तो तुम भी लोगे। एक मैं कार ही का एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ठीक है, तो मानो तुम तो कार ले लिए, बट उसको चलाने के लिए फ्यूल तो चाहिए ना, फ्यूल तो चाहिए ना, फ्यूल तो एक लिमिटेड अमाउंट, फ्यूल हम लोग बनाते थोड़े हैं, अगर बनाते तो मज़ा आ जाता, धीरे धीरे वो भी प्रोसेस चल रहा है बनाने का, कि वो नहीं बनाने का फ्यूल, नहीं फ्यूल भी तुम्हारा कहीं कहीं सुना हो कि बनाने का प्रोसेस स्टार्ट है, बट अभी स्टार्ट हुआ है कि बिना फ्यूल कहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि फ्यूल का कमी है, फ्यूल एक सर्टेन अमाउंट में ही है, बट जैसे जैसे देखोगे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सब धीरे धीरे सबका फैमिली ग्रोथ कर रहा है, और ग्रोथ कर रहा है तो सबके घर में गाड़ी आ रहा है, कार आ रहा है, बट क्या फ्यूल नहीं ना बढ़ रहा है, फ्यूल तो एक सर्टेन अमाउंट है, तो वही प्रॉब्लम है कि हम लोग का ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हम लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा यूज़ करने लग रहे हैं, ठीक ना, ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करने पड़ रहे हैं, इसी कारण
डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, डिप्लेशन मतलब कम हो रहा है, वो सब जो फ्यूल हुआ, एक मैं फ्यूल का ही एग्जांपल देकर तुमको समझा दिया, ऐसा बहुत कुछ तुमको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो जो नेचुरल रिसोर्स हो रहा है वो कम हो रहा है, डिप्लेशन मतलब कम होना, समझ रहे क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग ओवर एक्सप्लॉयट करने लगे, ओवर एक्सप्लॉयट करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। अगर बताओ तुम्हारे भैया का शादी ही नहीं होता तो तुमको 2 BHK में ही काम चल जाता कि नहीं, तुमको 3 BHK का सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ता, समझे? तो वैसे ही बात है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं करता उतना ड्रास्टिकली, मतलब बहुत अच्छे अमाउंट से इंक्रीज कर रहा है, डेटा तो तुम लोग को बताया ही मैं कि लास्ट 50 ईयर्स में कितना 245% इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो उसका जरूरत ही नहीं पड़ता, समझे? तो इसलिए हम लोग उसका ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, ओवर एक्सप्लॉयट करने के कारण क्या हो रहा है, डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, वो सब जो चीज़ें थी वो कम हो रहा है, ठीक है। ये था पहला। दूसरा क्या है, डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ इकोसिस्टम। डिफॉरेस्टेशन बताया हूँ एक बार, याद है? डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को ख़त्म करना, पेड़ काटना, सब कुछ काटना, तो फॉरेस्ट कम हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन, समझो। डी एक इंग्लिश में अगर कुछ चीज़ के आगे डी लग जाए या फिर अ लग जाए, ए, ठीक है, अन, देखो इम्पॉर्टेंट अन इम्पॉर्टेंट ऐसे, तो उसका मीनिंग एकदम अपोजिट हो जाता है। ये इंग्लिश का ज्ञान था, इग्नोर करो अगर नहीं चाहते हो तो, ठीक है। बट डिफॉरेस्टेशन वही होता है, क्या? फॉरेस्ट को कम करना। अगर बनाओ बताओ फॉरेस्ट कम हो गया, ठीक है, तो हम लोग को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? तुम लोग तो जानते हो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ठीक है, हम लोग कैसे सांस लेते हैं, जानते ही हो। तो हम लोग को पेड़ का रहना जरूरी है कि नहीं, हम लोग के लिए, ठीक है, ये हुआ हम लोग के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए। बट डिफॉरेस्टेशन क्यों करना पड़ रहा है? हम लोग का नीड बढ़ रहा है ना, हर चीज़ अपने नीड से ज़रूरी है, क्यों? नीड बढ़ रहा है। देखो एक समय था कि लकड़ी का पलंग बनाने के लिए, कई सोफा बनाने के लिए ज़्यादा दाम नहीं लगता था, क्यों? क्योंकि उस समय पॉपुलेशन कम था और उस समय लकड़ी भी ज़्यादा था, वुड, लकड़ी, वुड, ठीक है, ज़्यादा कोई अंग्रेजी मीडियम का होगा तो सुन लो, वुड, ठीक है। तो क्यों, उस समय नीड था और सामान भी एक अच्छा अमाउंट में था। बट अभी हम लोग का नीड बढ़ते जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो अभी देखोगे अपने मम्मी पापा से पूछना कि उनके टाइम में कितना सस्ता हुआ करता था, बट अभी के टाइम में महंगा क्यों हो रहा है? तुम सोचो ना, महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो सब अमाउंट में कम हो रहा है। अब धीरे धीरे तो लकड़ी का पलंग हट गया, अब लकड़ी का सोफा हट गया है, बहुत कोई घर में अब लोहा का बन रहा है क्योंकि लकड़ी का कमी हो गया, समझे? नीड के कारण हम लोग की नीड बढ़ती जा रही है, जरूरतें हम लोग की बढ़ती जा रही हैं, क्यों? पॉपुलेशन बढ़ रहा है, समझे? पॉपुलेशन बढ़ रहा है। सेम वही एग्जांपल लो, तुम 2 BHK में थे तो 2 पलंग का जो था एक 2 सोफा था, ठीक है, बट अब 3 BHK में जाओगे तो और एक पलंग का जरूरत पड़ेगा, फिर से और एक पलंग के लिए जाओगे वुड कटर के, वुड के पास, वुड शॉप में, वहाँ से जाके पलंग लोगे, पलंग कहाँ से वो लोग लाते हैं? वो लोग लकड़ी काट के ही ना बनाता है, वो लोग तो पैदा खुद नहीं ना करता है खुद, कि कोई आर्टिफिशियली केमिकल डाल देते हैं बनता है, वैसे तो नहीं ना बनता है। बस वही बात है, हम लोग का नीड बढ़ रहा है तो ये सब हो रहा है, समझे? यही डिफॉरेस्टेशन था। और देखो डिफॉरेस्टेशन ये हम लोग के रिस्पेक्ट में हुआ, बट देखो मानो वहाँ पे तो फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स का घर होता है। फॉरेस्ट मतलब क्या? एनिमल्स का घर, फॉरेस्ट मतलब एनिमल्स का घर, सांप हुआ, इंसेक्ट्स हुआ, टाइगर हुआ, लायन हुआ, बहुत सारा जितना भी एनिमल का नाम याद रहा, सबका घर तो फॉरेस्ट ही होता है, ठीक है, फॉरेस्ट ही होता है नॉर्मल, तुम लोग जानते हो। बट अगर फॉरेस्ट कम होता गया तो लोग का घर ख़त्म होता गया, ठीक है, घर ख़त्म होता गया तो धीरे धीरे
वो लोग रास्ते पे आ जाएगा। जैसे तुम्हारी मानो तुम्हारी एक एग्जांपल लेता हूँ, ये तुम पहले तुम नहीं मानो एक कोई इंडिविजुअल है, एक आदमी था, पहले उसका घर सब बढ़िया चल रहा था, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा था, ठीक है, सब अच्छा सा घर था उसका, 2 BHK 3 BHK कुछ अच्छा सा घर था, मानो 3 BHK था, ठीक है। बट कुछ ऐसा हुआ, कोई नेचुरल कैलामिटीज आया, कोई अर्थक्वेक आया, उसका घर टूट गया, ठीक है, उसको इंश्योरेंस वोरेंस कुछ नहीं था, उसको कुछ नहीं मिला। अब उसका फैमिली अब रास्ते पे आ गया, अब रास्ते पर आ गया तो उसका फैमिली अब खाने के लिए ही तरस रहा है, आगे का जनरेशन तो उसका अब तो ख़त्म हो गया ना, ठीक है, तुम समझ रहे हो ना। अब आगे जैसे एक हम लोग का फैमिली ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, सबका फैमिली ग्रोथ कर रहा है कि धीरे धीरे सबका सब कुछ बढ़ रहा है, बट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सब ठीक चल रहा है, बट कोई आकर तुम्हारा घर तोड़ दे तो तुम एक फाइनेंशियली वीक कंडीशन में आ जाओगे, ठीक है। तो वैसे ही हो रहा है एनिमल्स के साथ, एनिमल्स का वो घर है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जाकर हम लोग काट देंगे, कुछ कर देंगे तो उन लोग का घर तबाह हो रहा है, और घर तबाह हो रहा है तो उन लोग का पॉपुलेशन कम हो रहा है, और तुम लोग जानते हो कि एक इन्वायरमेंट में सबका रहना ज़रूरी है, फूड चेन पता है, सबका रहना ज़रूरी है तभी ये इन्वायरमेंट चलता है, सबका, ह्यूमन का भी एनिमल का भी सबका ज़रूरी है, कोई ना कोई एक प्रोसेस में काम आता ही है, ठीक है। तो वो लोग का पॉपुलेशन कम हो रहा है, तो सुनो होगे टाइगर एक्सटिंक्ट कर रहा है, एक्सटिंक्ट मतलब अब उसका प्रजाति नहीं आ रहा है धीरे धीरे, एक समय था हम लोग के पास इतना टाइगर हुआ करता था, अब बहुत कम बचा हुआ है सेफ टाइगर, अब तो सरकार भी बोल रहा है कि सेफ टाइगर ये कर, ठीक है, समझे। तो यही सब क्यों हो रहा है, ये सब हम लोग का ज़रूरत बढ़ रहा है, हम लोग का जो ज़रूरत है, हम लोग का नीड है वो बढ़ रहा है, और बढ़ेगा तो डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है, और डिफॉरेस्टेशन करने के कारण एनिमल्स का घर तबाह हो रहा है। तो एक इकोसिस्टम जो है, जो एक नेचर का बैलेंस करने का सिस्टम है, सबको एक साथ लेके चलना, सबको अच्छा से बैलेंस करना, ठीक है, तो वो लॉस हो रहा है। मानो एक एनिमल एग्जिस्ट कर जाए, एक्सटेंट कर जाए, तो क्या इकोसिस्टम लॉस होगा ना, होगा ना, वहाँ उसका फैमिली अब नहीं है, अब टाइगर ही धीरे धीरे हट जाएगा, गायब हो जाएगा, पहले एक समय था कि डायनासोर थे, डायनासोर धीरे धीरे गायब हो गए, बहुत कुछ गायब हुआ है, देखो कि बहुत पहले बहुत प्रजाति पाया जाता था, बट धीरे धीरे बहुत गायब हो गया, ये तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है, 11 में जाओगे तो पढ़ोगे थोड़ा मोड़ा, डिटेल में तो ऑनर्स के टाइम पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों बढ़ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग का नीड बढ़ रहा है, और नीड क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, एक थोड़ा थोड़ा करके बढ़े तो चलता है, बट ऐसे एकदम ऐसे बढ़ रहा है वो एकदम गलत है, उसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, पहला समझ आया ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, दूसरा समझ आया डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ इकोसिस्टम, ये भी समझ आया, ठीक है। इसका लिख लेना नोट्स में, मैं लिख दिया हूँ वहाँ से देख कर लिख लेना, ठीक है। अब देखो तीसरा है प्रॉब्लम जो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज करने के कारण होता है, श्रिंकिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, श्रिंक जानते हो छोटा हो जाना, कम हो जाना, श्रिंक किया मिल गया, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल लैंड, पहले देखो शहर में तुम लोग सोचते होगे कि आजकल 40th floor 14th floor 15th floor ऐसे करके बिल्डिंग बन रहा है, पहले बस नॉर्मली देखा जाता था तो G+2 G+1 या फिर बस G, बट अब क्या हो गया G+40 G+50 G+100 भी है, ठीक है। ऐसा बिल्डिंग क्यों बन रहा है, तुम सोचे हो कभी सोचे हो कि इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग क्यों बन रहा है, अब बताओ क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। देखो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो तुमको खाना भी तो चाहिए ज़्यादा, ठीक है,
बट ज़्यादा खाना नहीं बन जा सकता क्योंकि एग्रीकल्चर का लैंड है, जो एक लैंड है जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है वो तो एक लिमिटेड है। अर्थ का तो एरिया नहीं बढ़ने वाला, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो अर्थ का तो एरिया नहीं बढ़ने वाला, वो तो एक लिमिटेड ही है ना। तो वहाँ से जो एग्रीकल्चर जो फूड बन रहा है वो तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही बन रहा है। बट अगर हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ता जाए, पॉपुलेशन बढ़ता जाए मतलब हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन बढ़ता जाए तो धीरे धीरे हम लोग वहाँ भी घर बना लेते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे घर बनाने लगेंगे तो एग्रीकल्चर तो कम हो जाएगा ना, समझ रहे हो। तुम अकेले बना लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट सब वैसा ही काम करने लगे, सब वही काम करने लगे कि वहाँ पे ही जाकर अब सब वहीं पे घर बनाने लगे, G+1 G+2। तब तो एग्रीकल्चर का लैंड ही नहीं बचेगा, एग्रीकल्चर कहाँ होगा, और एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हम लोगों को खाना नहीं मिलेगा, समझे। किसान लोग कहाँ खेती करेगा, अगर खेती नहीं करेगा तब तो खाना नहीं मिलेगा। इसलिए अभी क्या बनने लगा है, G+40 G+50 G+60 ये सब बड़ा बड़ा बिल्डिंग क्यों बन रहा है, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है तो एग्रीकल्चर का लैंड भी कम हो रहा है, क्योंकि हर जगह G+40 G+50 नहीं बन रहा, समझे। गाँव में भी, अब पहले एक समय था गांव में मैं जाता था अपना, तो वहाँ पे बहुत कम कम ही बिल्डिंग हुआ करती थी, ठीक है। बट अभी मैं जाता हूँ, अभी फिलहाल ही गया था मैं, एक साल छः महीने पहले, तो अभी मैं जाकर देखा, अरे वहाँ पे G+4 G+5 बिल्डिंग हो गया। पहले ज़्यादा से ज़्यादा G+1 से ज़्यादा था नहीं, बट अब जाकर देखो सब जगह गाँव भी अब धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो सबका नीड बढ़ रहा है, और नीड बन रहा है तो समझ रहे हो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर का लैंड कम हो रहा है, ये तीसरा कॉज है, प्रॉब्लम है पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। इसलिए याद रखना, हम दो हमारे दो, ठीक है। ये बहुत पहले हम लोग का गवर्नमेंट स्टार्ट किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। बट वो सब पे मैं नहीं जा रहा हूँ, बट तुम्हारे सिलेबस में इतना है, प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। तीन प्रॉब्लम देख चुके हैं, 1 2 3, और हम आगे देखते हैं। अब फोर्थ नंबर पॉइंट देखते हैं बच्चा पार्टी, वो देखो क्या बोल रहा है, ठीक है। बोले शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, क्या बोल रहा है, शॉर्टेज मतलब कम ही पड़ जाना इसका, फ्रेश वाटर का, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पता है ना, खो तो नहीं गया कहानी में, पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा या पड़ रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज करने के कारण, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा पॉपुलेशन अगर ऐसे इंक्रीज करता रहा तो जो फ्रेश वाटर है, जानते ही होंगे कि हम लोग का अर्थ 70% अर्थ में वाटर ही वाटर है, बट 30% एंड 30% क्या है, लैंड, ठीक है। एक एवरेज डेटा है, अप्रोक्स डेटा है, ठीक है। बट 70% वाटर है तो मैं बोलोगे शॉर्टेज अगर कैसे पड़ सकता है, अगर 70% वाटर है तो तुम लोग का क्वेश्चन होगा, अगर 70% वाटर है तो हम लोग को शॉर्टेज कैसे होगा, क्यों शॉर्टेज होगा, क्योंकि 70% जो वाटर है उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्टी वाटर है, क्या सॉल्टी वाटर, समुद्र का पानी, सी वाटर, ठीक है, जो कि खड़ा पानी बोलते हैं, जो हम लोग के हिंदी में खड़ा पानी, पानी खड़ा नहीं हो जाता वो, ऐसा नहीं, खड़ा पानी बोलते हैं बंगाल में, तो कहीं कहीं बोलते हैं, तुम लोग जहाँ रहते हो पता नहीं, बंगाल में बोलते हैं, ठीक है। वो खड़ा पानी हम लोग पी नहीं सकते, ठीक ना, वो जो वाटर है, जो मोस्ट ऑफ द वाटर है उसको हम लोग पी नहीं सकते, उसको पीने के लिए बहुत हाई क्वालिटी का जो वाटर प्योर करता है, वाटर को साफ करता है, क्लियर करता है, जो मशीन सब आता है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है, तुम लोग जानते हो बहुत सारा, तो वो सब हाई क्वालिटी का चाहिए तब हम लोग सोच सकते हैं पीने, अभी ऐसा कोई सोचा भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो बट जो पीने वाला पानी है वो बहुत कम अमाउंट में है, तुम लोग जानते हो, इसलिए हम लोग वाटर को सेव करने के लिए, तुम्हारे मम्मी पापा भी बोलते हैं
कि हम लोग नल खुला छोड़ देते हैं, नल बंद कर दो, क्यों? क्योंकि वाटर का कमी है। इंडिया में ही तुम ऐसे गूगल पे सर्च करो जाकर कि कितना जगह वाटर का कमी है। नॉर्मल इंडिविजुअल गांव में देखते हो, गांव में लेडी सब सुबह जाती है मटका लेकर पानी लाने, रात को पानी लेकर लौटती है। ऐसा ऐसा जगह है इंडिया में, वर्ल्ड में तो और भी जगह है, बहुत जगह है, बट इंडिया में इतना पॉपुलर, इतना मतलब हम लोग पानी से पूरा घिरा हुआ है, फिर भी इंडियन ओशन सामने है, सब कुछ सामने है, बट फिर भी इंडिया में ऐसा प्रॉब्लम है। सोचो, हर जगह पानी नहीं है, पीने वाला पानी हर जगह नहीं है, ठीक है? ऐसा क्यों पड़ रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा तब और भी कम होगा, क्योंकि पानी का तो एक सर्टेन अमाउंट है, एक कुछ अमाउंट में पानी है, बट पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पानी तो नहीं ना बढ़ रहा है, समझे? तो चौथा कॉज क्या हुआ? शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है? पांचवा पॉइंट देखते हैं, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। देखो, अगर पॉपुलेशन बढ़ा तो ह्यूमन एक्टिविटीज भी बढ़ेगा, बहुत सारा कंपनी बनेगा, बहुत सारा इंडस्ट्री बनेगा, और वो लोग क्या कॉज करते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है? वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का कॉजेस जाकर देख लेना, तुमको आराम से समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है? इंडस्ट्री ये जो बन रहा है, अर्बनाइजेशन बन रहा है, मतलब हम लोग जो शहर के तरफ जो फैक्ट्री बन रहा है इतना कुछ, वो सब इनडायरेक्टली क्या कॉज कर रहा है? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। तुम लोग पढ़े होगे तो जानते होगे, जो नहीं पढ़ा वो जाकर देखो, ठीक है? तो ये सब क्यों बन रहा है? हम लोग को इतना इंडस्ट्री बनाने का जोत ही नहीं पड़ता, इनडायरेक्टली देखे तो इंडस्ट्री बनाने का जोत ही नहीं पड़ा, हम लोग का तो पहले चल रहा था सब, इसलिए बनाने का जोत पड़ रहा है कि हम लोग को सबका अब तेज़ी में चाहिए और ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन अगर ना बढ़ता ना हम लोग का इसका जरूरत पड़ता, समझे? ये सब क्यों हो रहा है? और देखो, सिक्स नंबर पॉइंट, चेंजेस इन एटमोस्फेरिक कंडीशन, ठीक है, एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को मैं बहुत डिटेल में पार्ट थ्री की फोर थ्री में शायद अच्छे से पढ़ाया हूँ। ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में डायरेक्ट ग्लोबल वार्मिंग पे एस्से राइटिंग भी आ सकता है। अगर नहीं जानते हो तो जाकर डायरेक्ट पार्ट थ्री खोलो और पहले ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मज़ा भी आएगा, ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग देखो, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज को एंथ्रोपोजेनिक भी बोलते हैं। क्या? एंथ्रोपोजेनिक। उसका एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या? ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है? ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हम ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज इन पॉपुलेशन हम लोग का एक्टिविटीज़ भी बढ़ेगा। एक्टिविटीज़ मतलब बता ही दिया हूँ हम लोग का लाइफ के एक्टिविटीज़ क्या है, बढ़ेगा ही, नॉर्मली बात है, बढ़ेगा तो नॉर्मली बात है। तो हम लोग क्यों बढ़ेगा बताओ, तो एक बात बताओ, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उससे ये ग्लोबल वार्मिंग पे क्या इफेक्ट है? ग्लोबल वार्मिंग अगर जानते हो तो एटमोस्फेरिक कंडीशन में कैसा चेंजेस आ सकता है, मैं बता दूँ कैसा चेंजेस आ सकता है। ये दोनों पॉइंट एक पॉइंट जैसा मर्ज कर सकते हो, बट तुम्हारे बुक्स जितना भी टेक्स्ट बुक्स हैं थोड़ा अलग अलग दिया है, इसलिए मैं भी अलग लिख दिया, ठीक है? समझो, ग्लोबल वार्मिंग क्या था? चार गैसेस बताया था, मोस्टली CO2, ठीक है? ये सब जो जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ये सब का अमाउंट भी बढ़ता है। एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, और एयर पोल्यूशन का मेजर कॉज क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, बताया था मैं तुमको, ठीक है? मेजर क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तुम लोग को पढ़ाया हूँ मैं, अब मत बोलो कि सर नहीं पढ़ाए, सर अगर नहीं पढ़े हो बस कहानी जैसा बुक वीडियो देख रहे हो तो कुछ काम नहीं बनेगा, पढ़ो बुक, ठीक है? नोट्स डाउनलोड करके रख दिए तो ऐसा फ़ायदा नहीं है नोट्स डाउनलोड करने का, पढ़ो पहले, एक वीडियो देखो उसके बाद पढ़ो अच्छे से, समझे? ऑनलाइन स्टडी का यही है कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो, बस वीडियो कहानी देख लिए, सोचते हैं बहुत कुछ पढ़ लिए, वैसा नहीं, याद करो, ठीक ना? एक एक पॉइंट्स अच्छे से याद करो, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है वीडियो लेक्चर देखने का, जब तक कुछ खुद सेल्फ स्टडी ना किया जाए, ठीक है? चलो देखते हैं, चेंजेस इन एटमोस्फेरिक कंडीशन, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगा,
तो एटमॉस्फेयर में चेंजेस आएगा। क्यों चेंजेस आएगा? एयर पोल्यूशन होगा। एयर पोल्यूशन क्यों होगा? क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इंडस्ट्री बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन होगा, मॉडर्न मॉडर्न टेक्निक आएगा, ठीक है, धीरे धीरे 4G 5G आ रहे हैं, तो उससे क्या रेडिएशन कॉज हो रहा है, पढ़ाए हूँ सब एयर पोल्यूशन में, तो सब ये एयर पोल्यूशन में ही आता है। एयर पोल्यूशन बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा तो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यही ये था 6 नंबर तक, और 2 पॉइंट्स है वो देखेंगे, चलो फिर आगे देखते हैं। देखो अब देखते हैं 7th नंबर पॉइंट क्या बोल रहे थे, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। वेटलैंड्स क्या होता है? वेटलैंड्स होता है, नेचुरल भी होता है और मैन मेड भी होता है। बीच बीच में तुम देखते होगे अपने एरिया में, अपने थोड़ा दूर में ही, हर जगह रिवर नहीं होता, बट हर जगह बोलना गलत होगा, बट ज़्यादातर जगह देखा जाता है कि पॉन्ड पाया जाता है, पॉन्ड मिल जाएगा। नदी रिवर देखा जाए तो बहुत दूर में है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर नदी, बट पॉन्ड मिलता है, ठीक है। पॉन्ड जानते हो, पॉन्ड छोटा छोटा लेक, ठीक है, वो सब मिलता है। वो सब जो नेचुरल भी होता है कहीं कहीं, वो मैन मेड भी होता है, मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ खुद का, ठीक है। धीरे धीरे ऐसा देखा जा रहा है कि पॉपुलेशन इतना इंक्रीज कर रहा है, घर बनाने के चक्कर में, फ्लैट बनाने के चक्कर में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के चक्कर में, उस सबको ढक दिया जा रहा है, उन लोगों को बंद कर दिया जा रहा है, जो वेटलैंड है उस सबको बंद कर दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ भी घर बन जाए, क्योंकि इतना ज़मीन का कमी हो गया है, इतना लैंड का कमी हो गया है, ठीक है, जिसके कारण वेटलैंड को बंद कर दिया जा रहा है, ठीक है, बहुत जगह ऐसा है, ठीक है। तो वो जो वेटलैंड का बंद कर दिया जा रहा है वो सब अच्छा नहीं है, वहाँ जो फिशेस है, वहाँ जो पहले छोटा छोटा एनिमल्स है, इंसेक्ट्स हैं, वो सब का लाइफ तो गया है ना काम से, मतलब वो लोग का घर ही बंद, मतलब वो लोग सब डेथ, सबका डेथ, मतलब इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है वो, ठीक है, वो इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। किसी एनिमल का डेथ होना एक ह्यूज अमाउंट में, एक एनिमल का डेथ हुआ दैट्स ओके, दैट्स फाइन, बट एक ही बार में बहुत सारे एनिमल का डेथ हो गया, दैट इज़ नॉट ओके, समझ रहे हो, क्योंकि एक बायोलॉजी यही है, लाइफ साइंस ये पढ़ाता है लाइफ, लाइफ क्या होता है, समझे, समझ आ रहा है, इसलिए सबका लाइफ जरूरी, ठीक है, इसलिए वेटलैंड को बचाना चाहिए, उसको प्रिजर्व करना चाहिए और अपने से भी बनाना चाहिए, बट हम लोग जानबूझ के नहीं कर रहे, जानबूझ के हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग को ज़रूरत बढ़ रहा है, नीड बढ़ रहा है, नीड क्यों बढ़ रहा है, ड्यू टू ह्यूमन इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, समझे, ठीक है। इसमें और एक 2 पॉइंट था, ठीक है, रनिंग वाटर और स्टैगनेंट वाटर। रनिंग वाटर मतलब जो पानी बहता है, फ्लो करता रहता है, ठीक है, उसको रनिंग वाटर बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है लोटिक या लोटिक। और स्टैगनेंट वाटर मतलब जो स्थिर है, जिसमें कोई फ्लो नहीं है वाटर में, देखते हो ज़्यादातर पॉन्ड में वैसा ही पाया जाता है, स्टैगनेंट वाटर को बोलते हैं लेंटिक, ठीक है, लोटिक और लेंटिक 2 वर्ड है, तुम लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आता है 8वां नंबर पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये, और आज का क्लास का लास्ट टॉपिक, स्कर्सिटी ऑफ फूड। देखो खाना स्कर्सिटी मतलब कम पड़ना, फूड फूड मतलब खाना। अगर बताओ पॉपुलेशन इतना बढ़ेगा, मैं तुमको पहले ही बताऊँ, एग्रीकल्चर तो के लैंड तो उतना ही है, वो तो नहीं बढ़ रहा है, अर्थ का एरिया नहीं बढ़ रहा है, बट पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मतलब हम लोग का खाना भी बढ़ रहा है, मतलब खाने का खाना जो एग्रीकल्चर वो नहीं बढ़ रहा है, वो तो एक लिमिट है ना। अगर खाना अनलिमिटेड खाना होता तो आज कोई भूखा नहीं सोता, जाकर देखोगे इंडिया में कितने आदमी भूखे सो रहे हैं, क्योंकि खाना महंगा है, वो लोग गरीब हैं, वो लोग नहीं काम कर पा रहे, समझ रहे हो। तो ये स्कर्सिटी ऑफ फूड क्यों हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन बढ़ रहा है,
ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है और इसलिए कंपटीशन आ रहा है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। पढ़ोगे तुम लोग स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस? ठीक है, अभी नहीं पढ़ोगे तुम लोग, डार्विन का है, ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मतलब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ये बोलता है कि रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपना चीज़ के लिए फाइट करना पड़ेगा, कंपटीशन। ठीक है, आज देखोगे, आज एक इंडिया में एक रेलवे का एग्ज़ाम दोगे, एक मेडिकल का एग्ज़ाम दोगे, एक जेई का एग्ज़ाम दोगे, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम, इंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है। आज ये सब में मिनिमम 10 लाख, 15 लाख, एक एक करोड़ बच्चे एक एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। क्यों बैठ रहे हैं बताओ? क्योंकि पॉपुलेशन इतना बढ़ ही गया इंडिया का, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उसमें से सीट कितना को है? इंजीनियरिंग एग्ज़ाम का मैं एग्जांपल दूँ तो कितना कितना स्टूडेंट बैठते हैं हर साल? 10 लाख स्टूडेंट बैठते हैं नॉर्मली, उससे थोड़ा मोड़ा बढ़ जाता है, कम तो शायद ही होता हो कभी, 10 लैक्स हर ईयर। और कितने बच्चे का सीट है बता दो, कोई आइडिया है बताओ? गवर्नमेंट सीट कितने पता है तुमको? 40 to 60 thousand। सोचो मतलब कितना कम सीट है, कितना कम सीट। एक MBBS के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है नीट, नीट में टोटल इस ईयर का मैं बताऊँ 2020 में 16,90,000, मतलब ऑलमोस्ट 17 लाख बच्चे ने इस बार फॉर्म भरा था। ठीक है, 17 लाख, 17 लैक्स। और कितना सीट है MBBS गवर्नमेंट में, कितना सीट है कोई आइडिया? कितना सीट है बताओ? 20 to 30 thousand, 20 to 30 thousand MBBS का सीट। और बच्चे कितना फॉर्म भरे थे? 17 लैक्स। क्यों इतना क्यों हो रहा है बताओ? क्योंकि इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, इसलिए कंपटीशन बढ़ रहा है और अपना स्ट्रगल करना पड़ रहा है एग्जिस्टेंस के लिए। स्ट्रगल ही हुआ ना, एक तुम 17 लाख में से तुमको वो पर्टिकुलर 20,000 के अंदर आना पड़ेगा, तभी तुमको एक मेडिकल का सीट मिलेगा। तो स्ट्रगल ही कर रहे हो ना, समझ रहे हो? स्ट्रगल कर रहे हो तो यही है। क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक लाइफ स्टेबल हो तुम्हारा, तुम बड़े होकर डॉक्टर बनो, समझे? इतना आसान बात नहीं रहा। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल में रहता तो आज उतने बच्चे नहीं बैठते एग्जाम में, आज उतने बच्चे एक साल में इतने बच्चे नहीं बैठते, समझे? तो यही पे, इसी पे सरकार को काम करना चाहिए, सरकार को स्ट्रिक्ट कोई कदम उठाना चाहिए जिससे पॉपुलेशन हम लोग का स्टेबल एक आए, एक स्टेबल ग्राफ आए। अभी हम लोग का पॉपुलेशन ऐसे मतलब ऐसे इंक्रीज कर रहा है, मतलब स्टेट लाइन हो सकता ऐसे, मतलब इंक्रीज कर रहा है। सोच लो कितना ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रहा है। हम लोग को एक ऐसे होना चाहिए ग्राफ, कैसे ऐसे इंक्रीज करेगा तो चलेगा, ठीक है? ऐसे हम ऐसे इंक्रीज कर दे, खराब है, हम लोग के लिए बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, ठीक है? तो यही था आपका प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है? इसलिए तुम लोग भी ख्याल रखो, ये हमेशा लाइन याद रखो, हम दो हमारे दो, ठीक है? और फॉलो करो, ठीक है, समझे? चलो आज की क्लास में इतना तक ही रखते हैं, बहुत लंबी क्लास हो चुकी है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, ठीक है? 2-3 डिजीज है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है? चलो तो फिर मिलते हैं, बाय।